हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए एडुकेशन यूट्यूब चैनल। चलते हैं मस्ती भरी पढ़ाई वाले सफर पे। तो आज हम करने वाले हैं आपकी वन ऑफ दी फेवरेट केमिस्ट्री की, जो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक आती है बाय बीके जायसवाल सर, जो आपकी नीट के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, प्रॉब्लम्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर नीट। आज हम इसका डिटेल में रिव्यू कर रहे होंगे। आज इस बुक के चप्पे चप्पे के बारे में आपको पूरा डिटेल में पता चल रहा होगा, एक एक पॉइंट को, क्वेश्चन का लेवल क्या है, कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, हर लेवल में आपको क्या क्या दिया हुआ है, और ये आपके नीट के लिए किस लेवल तक सफिशियंट है, आज हम उसको डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस बुक में आपके टोटल 10 चैप्टर्स में इन्होंने पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिवाइड आउट किया हुआ है, जिसकी आप देख सकते हैं, जिसमें मुझे पर्सनली इसका केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाला चैप्टर सबसे बेस्ट लगा प्रैक्टिस के लिए। इसमें टोटल हर चैप्टर को लेवल 3 लेवल्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें आपका लेवल 1 आपका नीट और जेईई मेंस के लेवल का होता है, जिसमें आपको नीट से 10% हायर लेवल तक के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया गया लेवल ऑफ क्वेश्चंस को। बाकी आपका टॉपिक वाइज भी दिया होता है इन्होंने लेवल 1, आप हर टॉपिक के बाद जो आपका क्लास में होता जा रहा है आप उसके क्वेश्चंस को साथ के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेवल 2 में आपके असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस दिए, जो कि आजकल जैसा नीट आ रहा है उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आजकल नीट में काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग असर्शन रीजन क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जिसमें कई बार बच्चे अपने मार्क्स गंवा देते हैं। और साथ के साथ इन्होंने असर्शन रीजन में कुछ प्रीवियस ईयर एम्स के क्वेश्चंस को भी दिया हुआ है, जो कि प्रैक्टिस के लिए काफी ज्यादा अच्छे रहते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ही ज्यादा रिफाइंड क्वेश्चंस अपने टाइम में पूछा करते थे। लेवल 3 में आपको डिफरेंट पीएमटी सीईई एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स पूछे गए हैं, जैसे 2001 के केरला पीएमटी, महाराष्ट्र के पीएमटी, और ये सब आपके क्वेश्चंस पूछे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें आपके पुराने सवाल हैं और ये भी काफी ज्यादा रेलेवेंट हो जाते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही है। सीबीएसई के पीएमटी के सवाल और नीट के लेटेस्ट ईयर्स के सवाल भी इन्होंने दिए हुए हैं, साथ के साथ साथ कुछ जेई के भी, डब्ल्यूबीजेई जो वेस्ट बंगाल जेई का एग्जाम होता है, ऐसे तरीके के भी इन्होंने क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छे से दिए हुए हैं। क्वेश्चंस के रेलेवेंसी की बात कीजिए तो हाँ, बिल्कुल आपके नीट में ऐसे सवाल आ सकते हैं, और बिल्कुल रेलेवेंट क्वेश्चंस ही दिए हुए, बहुत ज्यादा इररेलेवेंट क्वेश्चंस इन्होंने बिल्कुल नहीं दिए हुए हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि नीट जो भी आपसे पूछेगा एक सिमिलर क्वेश्चन को एक थोड़ा सा 10% क्रिस्प कॉन्टैक्ट थोड़ा सा छोटा लैंग्वेज में जरूर पूछ सकते हैं, या फिर थोड़ी सी कम एक्सेप्शन पूछे, ये भी केस हो सकता है। सॉल्यूशंस की बात की जाए तो इन्होंने काफी ज्यादा अच्छे सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि आपको जस्ट उसके आंसर पता चलते ही सॉल्यूशन पूरा समझ में आ जाता है। तो सॉल्यूशंस में आपका एज सच कोई प्रॉब्लम इस बुक में फेस नहीं हो रही होगी उसके एक्सप्लेनेशंस के बारे में। सिमिलर तरीके से इन्होंने सारे चैप्टर्स को डिवाइड आउट किया हुआ है, स्पेशल एम्फेसिस ऑन केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि वो मेरा इस बुक से एक फेवरेट चैप्टर हो जाता है। लेवल 1 के अंदर ही अगर बात की जाए तो केमिकल बॉन्डिंग को के लेवल 1 में आपके टोटल 405 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो कि टोटली अपने आप में वर्थ इट है। एक एक क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल चुन चुन के ऐसा लगता है कि डाला हुआ है आपका, एक एक क्वेश्चन से हर कॉन्सेप्ट एनरिच हो रहा होता है। सिमिलर तरीके से असर्शन रीजन भी 36 आपको केमिकल बॉन्डिंग में देखने को मिलते हैं, और प्रीवियस ईयर में तो ये ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा पूछा ही गया है, तो उसके भी आपको 131 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन जैसे मैंने आपको बताया, उसके लिए तो प्रैक्टिस के लिए इससे अच्छी बुक आपकी हो ही नहीं सकती। सिमिलर तरीके से सारे चैप्टर्स को इन्होंने कवर अप किया हुआ है। वैसे इस बुक का प्राइस है ₹425, लेकिन आप इसे बहुत ही ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से खरीद सकते हैं। हम ऐसे बुक रिव्यूज आपके लिए लगातार लाते रहते हैं, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।